गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेसन नाइन, इसमें हमें दिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे रेशियो, रेशियो क्या होता है। तो स्टूडेंट रेशियो के बारे में जाएंगे। तो रेशियो हम किसी भी दो चीज़ को कंपेयर कराते हैं, तो उसमें हमें रेशियो का यूज़ किया जाता है। जैसे हमें दिया है द प्राइस ऑफ टू नोटबुक आर एंड 20 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़, हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बुक्स दैट द फर्स्ट नोटबुक। इसमें हम दो चीज़ों का कंपेयर करा रहे हैं, तो जिसमें भी हम दो चीज़ों का कंपेयर कराएंगे उसमें हम रेशियो का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम तो स्टूडेंट किसी भी दो चीज़ का कंपेयर कराएंगे तो उसको हम रेशियो में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको दिया है, जैसे इसमें दिया है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स देन रेशियो एंड दीज नंबर डिनोटेड बाय एक्स रेशियो वाई। तो इसमें हमें एक्स रेशियो वाई दिया है, इसमें हम रीड, तो एक्स को हम क्या पढ़ेंगे द टू क्वान्टिटीज़ एक्स एंड आर आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। ये हमें रेशियो के टर्म्स दिया है, एक्स इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड एंटीसिडेंट्स एंड द सेकेंड टर्म्स वाई इज कॉल्ड एज सेकेंड टर्म्स ऑन कंसिक्यूट। ओके स्टूडेंट, तो हम एक्स को क्या पढ़ेंगे एंटीसिडेंट्स पढ़ेंगे और वाई को पढ़ेंगे कंसिक्यूट। इसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। वाई को हम पढ़ेंगे अनुवर्ती और एक्स को पूर्ववर्ती भी डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम जानेंगे नेक्स्ट, इसमें जानेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो कौन कौन से होते हैं, जैसे हमें फिगर में दिया गया है, तो हम जी फिगर में देखें द रेशियो ऑफ एरिया शेडेड टू द टोटल ऑफ द गिवन फिगर। जैसे हमें फर्स्ट फिगर में दिया है 1:2, सेकेंड में 2:4, थर्ड में दिया गया 4:8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो तीनों की वैल्यू क्या होगी 1:2, 1:2। इसे भी हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1:2 आएगी। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1:2, तो तीनों की वैल्यू कितनी है 1:2। तो इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट रहेगा हमारा कंपेरिजन ऑफ रेशियो। कंपेरिजन ऑफ रेशियो मतलब हमें दिखाना है कि कौन सा रेशियो हमारा स्मॉल है और कौन सा ग्रेटर देने। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल है, जिस तरीके से हम फ्रैक्शन को कंपेयर कराते थे सेम इसी को हम रेशियो को भी फ्रैक्शन कंपेयर कराएंगे। तो हमें जो रेशियो दिया है इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में के तौर में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम इसे 4/5 लिख सकते हैं, 3:5 को भी 3/5। तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कहते थे जब डिनोमिनेटर सेम होता था जो नोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती थी वही हमारा बड़ा ग्रेटर देन होता था। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू को 4 बढ़ी है, तो ये वाली रेशियो, ये वाला रेशियो हमारा इस ग्रेटर देन होगा। ओके स्टूडेंट, तो कंपेरिजन हम इस तरीके से कराएंगे, तो उसका डिनोमिनेटर सेम करके दोनों को कंपेयर करा सकते हैं। इसी बेस पे हम आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट 9.1 की हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है सबसे पहले रेशियो। तो इसमें हमें एंटीसिडेंट और कंसिक्यूट बनाना, तो जो हमारा जो 5 होता है 5 क्या कहलाता है एंटीसीडेंट, हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है और जो कंसिक्यूट कहलाता है, तो हमारा यहाँ पे आएगा 5, कंसिक्यूट 6 दिया गया है। ओके स्टूडेंट, अब हमें इस रेशियो बताना है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें रेशियो बताना है। एंटीसीडेंट हमें दिया है 4 और कंसिक्यूट 11 दिया गया है, तो हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो हमारा रेशियो क्या है 4:11। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 4:11। इसी तरीके थर्ड क्वेश्चन में दिया 7:9, तो इसमें हमारा एंटीसीडेंट हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट हमारा 7 होगा और कॉन्सिक्वेंट हमारा 9 होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमको दिया है फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ में दिया है 5:15:23। इसमें हमें एंटीसीडेंट निकालना है, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट तो हमें दिया है, इसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा 23, और जो हमारी ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर में होता है वही हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है, तो एंटीसीडेंट हमारा इसमें यहाँ पे 15 फिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया, सेकंड में फर्स्ट दिया 48:96। इसे हमें लोएस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 48 का हम अलग से रेशियो निकाल लेंगे, हम 40x का अलग से फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर क्या होगा 48 का फैक्टर होगा 2 × 4 × 3। इसी तरीके से 96 का हम फैक्टर निकालें, तो 96 का फैक्टर 4 × 4 × 3 × 2, तो हम निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 4 × 4 × 3, जो तीनों में कॉमन हो, ये हमारा एक कॉमन है, तो ये हाईएस्ट फैक्टर आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 48।
ओके स्टूडेंट, तो हमारा 48 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, तो 48, तो इन दोनों जो हमारा रेशियो दिया गया है 48 बाई, इसको सबसे पहले हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम 48 का डिवाइड दे देंगे, तो 48 का डिवाइड हम न्यूमिरेटर में भी देंगे और 48 का डिवाइड हम डिनोमिनेटर में भी दे देंगे। तो जो हम इसमें डिवाइड देंगे तो 48 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 1 टाइम, और जो 48 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 2 टाइम। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1:2 या 1:2, तो हमारा रेशियो जाएगा 1:2 या 1:2। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 144:441। ओके स्टूडेंट, तो इसका हमें रेशियोज का लोएस्ट टर्म निकालना है। सबसे पहले हम 144 का फैक्टर निकालेंगे, तो 144 के फैक्टर हमारे 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके स्टूडेंट, तो फैक्टर हमें आता है निकालना, तो इस तरीके से हम फैक्टर निकाल लेंगे। इस तरीके 441 का फैक्टर निकाल लेंगे, तो 3 से डिवाइड देंगे 147 टाइम, फिर 3 से डिवाइड देंगे 49 टाइम, फिर 7 से डिवाइड 7 टाइम, फिर 7, तो 441 के फैक्टर आ जाएंगे। अब हमको फाइंड करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे कहेंगे मासा, महत्तम सामर्थ्य। ओके स्टूडेंट, तो हमारा मासा जो दोनों में कॉमन होता वही आया था, हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था, 9, 3 और 3, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। ओके स्टूडेंट, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF मिल गया, तो इसी से हम दोनों का क्या डिवाइड करा देंगे। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, 144/441। ओके स्टूडेंट, तो इसमें 144 में डिवाइड कराएंगे किसका, 9 का, और इसी तरीके से 441 में भी डिवाइड करा देंगे 9 का। तो 9 से इसे डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा, ये आएगा 1 टाइम और इसे 6 टाइम। ओके स्टूडेंट, तो इसी हम डिवाइड देंगे, तो ये हमारा कितने टाइम डिवाइड होगा, इसी तरीके से 9 का हम डिवाइड देंगे 41 में, तो 9 का हम 41 में डिवाइड जाएगा 3 टाइम 4 टाइम, और इसे कैरी आएगी 8, तो 81 इसका 9 में मल्टी डिवाइड देंगे तो हमारा 89। तो हमारा रेशियो आ गया 16:49। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म आ गया। इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया है। इसमें हमें 2 इक्विवेलेंट, जो फर्स्ट है फोर्थ का फर्स्ट, इसमें हमें 2 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, इसको हम 2/3 लिख लेंगे। तो हमें इसका 2 इक्विवेलेंट करना है, तो सबसे पहले दोनों में हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों में, न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/1 में ये हो जाएगा 6, एक हमारी वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड था 2/3, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें भी हम 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 हो जाएगा, ये हमारा 9। तो हमारा 2/3 का 2 इक्विवेलेंट, तो सामान्य रूप कौन सा होगा, 4/6 होगा, इसी तरीके से 6/9, तो ये क्या है, आपस में एक इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारा 6 क्वेश्चन दिया है, कंपेयर द रेशियो, तो हमें कंपेयर रेशियो कराना है। तो 6 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमें इसे कंपेयर कराने से पहले इनको क्या है, जो रेशियो दिया है उसे हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, 7/8, इसे 5/6 लिख लेंगे, इसे 7/8। अब इसको हमें कंपेयर कराना, कंपेयर कराने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, 2 फ्रैक्शन है तो इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकाल लेंगे 6 और 8 का, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड देंगे 3 टाइम, 2 से जाएगा 4 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, फिर 3 से आएगा ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड आएगा 1 टाइम और ये 1 टाइम, तो 2 × 2 × 2 × 3 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 24। ओके स्टूडेंट, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 24, तो इन डिनोमिनेटर का हमें 24 कराना है। तो 5/6, 6 को हमें 24 कराने से के लिए कितने का मल्टीप्लाई कराने पड़ेगा, 4 का हमें न्यूमिरेटर भी मल्टीप्लाई कर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जाएगा 20/24। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से जो हमारा सेकंड रेशियो है 7/8, इसको 8 करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई कराना है, 24 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 का हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो जो हो जाएगा 21/24। ओके स्टूडेंट, अब हम कंपेयर कराएंगे,
क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, हम देखेंगे न्यूमिरेटर, जो न्यूमिरेटर बड़ा होगा वही रेशियो हमारा बड़ा कहलाएगा। तो हम देखेंगे जो हमारा 21 इज ग्रेटर देन 20, तो हमारा कौन सा बड़ा होगा, 5:6 ग्रेटर देन 7:8। स्टूडेंट तो इसी तरीके से कंपेयर करके हम इनका कंपेयर रेशियो निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।